टी लीव्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे टी लीव्स के बारे में। अगर हम टी लीव्स की बात करें तो उसका सिनोनिम होता है कैमिलिया थिया। टी लीव्स कैमिलिया थिया के नाम से भी जानी जाती हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स है लीव्स एंड लीफ बर्ड्स ऑफ थिया साइनेंसिस। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, थिया साइनेंसिस हमारा साइंटिफिक नेम है। किसका? टी लीव्स का या टी प्लांट का। फैमिली की बात करें तो फैमिली है इसकी थिएसी। आगे बात करते हैं ज्योग्राफिकल सोर्स की। ज्योग्राफिकल सोर्स है इंडिया, श्रीलंका, चाइना, जापान, इनमें पाया जाता है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ब्लैक टी हमारी इंडिया में पाई जाती है और ग्रीन टी चाइना एंड जापान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद आगे बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स की। तो देखो, माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो जो टी का जो प्लांट होता है वो असल में श्रब कहलाता है। उसकी जो हाइट होती है वो 1 से 1.5 मीटर के बीच में होती है। इसकी लीव्स की बात करें तो लीव्स डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर अरेंज होते हैं ग्रुप ऑफ 2 और 3 इन लीफ एक्सिस में। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका करेक्टरिस्टिक वाला होता है। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट होता है इसका बिटर, यानी कड़वा टेस्ट होगा टी लीव्स का। आगे बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। टी लीव्स के अंदर पाया जाता है कैफीन मेनली, और कैफीन 1 to 3% के अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा टी लीव्स के अंदर होते हैं हमारे थियोब्रोमिन और थियोफाइलिन जैसे केमिकल्स भी प्रेजेंट। इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि टी लीव्स के अंदर होता है गैलोटेनिक एसिड, जो कि क्या करता है, जो कि लीफ को कलर देने का काम करता है। वहीं एक येलो वोलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट होता है जो कि टी लीव्स को एक ऑर्डर प्रोवाइड करता है। एक इसमें एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है थिएस। हमने जैसा कि बात करी है कि टी लीव्स के अंदर होता है कैफीन, कैफीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और कैफीन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। आपको इसमें ये याद रखना है कि कैफीन के स्ट्रक्चर के अंदर 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इनमें से 3 नाइट्रोजन के ऊपर 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तीनों के ऊपर क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। वहीं 2 ऑक्सीजन के एटम भी कैफीन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक सिक्स मेंबर्ड रिंग होगी जो आगे अटैच होगी 5 मेंबर्ड रिंग के साथ। ठीक है, ये दोनों रिंग आपस में फ्यूज्ड होती है। आगे बात करते हैं हम यूजेस के बारे में। तो देखो, जो टी है, टी लीव्स हैं, टी इज अ CNS स्टिमुलेट। ये आपको CNS को स्टिमुलेट करने का काम करता है। इन फॉर्म ऑफ बेवरेजेस की तरह यूज़ होता है, एंड डायूरेटिक एज वेल। और ये डायूरेटिक की तरह भी यूज़ होगा, यानी कि यूरिन प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने का काम भी ये करता है। तो ये थी बात हमारी टी लीव्स के बारे में। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये या आपको याद रखने के लिए हेल्पफुल रहेगा।